मुकाबला देखने का तो मज़ा तब आता है जब टीमें दोनों बराबर की हो जैसे भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ये सब जब टीम खेलती है तो मज़ा आता है देखने में बाकी सब टीमों के साथ तो ऐसे ही मुकाबला होता है लेकिन कुछ जगह पर्सनल होता है और पर्सनल मुकाबला आपको देखने को मिलेगा दिलीप ट्रॉफी 2024 में शुभमन गिल भारसे ऋतुराज गायकवाड़ का भाई ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल दोनों लड़ने वाले हैं दिलीप ट्रॉफी में आपस में ही और बहुत मजा आने वाला है इसमें कोई शक शोभा नहीं है अब सुमन गिल को ये साबित करना है कि गुरु हमको कोई ऐसे ही प्रिंस नहीं कहता है हम भारतीय टीम के ऐसे ही प्रिंस नहीं बने हैं हम अपनी मेहनत से हैं और वही ऋतुराज गयवार को ये साबित करना है कि गुरु तुमको प्रिंस तो बनाया गया है लेकिन उसका कीमत हमने चुकाया है क्योंकि हम बैठे हैं तब तुम खेले हो टीम में जाकर के हाँ अब को दौरा पर उतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी बैठा दिया गया सुमन गिल को तरजीह दी जाती है बराबर से शुरू से ही ऋतुराज गायकवार के ऊपर जबकि ऋतुराज गायकवार सुमन गिल से किसी भी कीमत पर कम नहीं है लेकिन सुमन गिल को प्रिंस ऑफ इंडियन टीम कहा जाता है और उनको वनडे में टी ट्वेंटी में टेस्ट में सभी जगह उनको मौके मिलते हैं यहाँ तक कि उनको उप कैप्टन वाइस कैप्टन भारतीय टीम के बना दिए गए हैं तीनों फॉर्मेट के जी हाँ लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अपनी जगह अभी बनाने में नाकाम रहते हैं और इसीलिए जो ऋतुराज गायकवाड़ के जो फैंस फॉलोअर हैं वो गुस्सा में रहते हैं कि भाई एक कौन सा जायज़ फैसला है कि आप ऋतुराज को बैठा करके आप सुमन गिल को खिला ले रहे हैं एक कतई भी सही नहीं बी सी का यहाँ सौतेलापन वाला जैसा व्यवहार होता है ऋतुराज राजग और सुमन गिल के प्रति ऐसा लगता है कि बी सी का सुमन गिल कोई सगा है और ऋतुराज राजग सौतेला है इसीलिए अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है दिलीप ट्रॉफी दो में चार टीमें हैं टीम ए है। टीम बी टीम सी टीम डी टीम ए के कैप्टन सुमन गिल साहब है टीम बी के कैप्टन अभिमन्यु ईश्वरन है और टीम सी के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ है और टीम डी के कैप्टन श्रेयस अय्यर है अब एक तरफ थाला धोनी के चेले ऋतुराज गयार जो एक एक गुर महेंद्र सिंह धोनी से सीख करके आए हैं और एक तरफ गौतम गंभीर के चहेते बीसीसीआई के चहेते शुभमन गिल साहब जिनका श्रीलंका दौरा कुछ खास नहीं रहा है दोनों अपना अपना हुनर दिखाने के लिए रेड बॉल क्रिकेट में तैयार है दिलीप ट्रॉफी दो में जी हाँ अब यहाँ चार टीमें चुनी गई है तो टीम ए है टीम बी है टीम सी है टीम डी है लेकिन बाकी सब तो मैच होंगे लेकिन जो मेन मुकाबला होगा वो टीम ए सुमन गिल की टीम और टीम सी ऋतुराज गायकवार की टीम दोनों टीमों के बीच में मुकाबला होगा हालांकि अगर दोनों टीमों के प्लेयर की बात कीजिएगा तो टीम ए जो सुमन गिल की टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस से भरी हुई टीम नज़र आ रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का वहाँ पर ज़्यादा अनुभव है वही आप बात कीजिएगा ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में तो थोड़ा एक्सपीरियंस का भी कमी नज़र आ रहा है और रेड बॉल क्रिकेट बिल्कुल ना खेलने वाले प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में है अब बात कर ही लेते हैं कि कौन सी टीम में किन के टीम में कौन से प्लेयर हैं सुमन गिल के टीम में अगर बात कीजिएगा तो सुमन गिल कप्तान है मयंक अग्रवाल है रियान पराग है ध्रुव जुरेल है तिलक वर्मा के राहुल शिवम दुबे मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और वही ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में राय सुदर्शन है रजत पाटीदार है सूर्या कुमार यादव है तो थोड़ी सी एक्सपी अनएक्सपीरियंस्ड टीम लग रही है ऋतुराज गायकवाड़ का लेकिन मजा आने वाला है दोस्तों बिल्कुल मजा आने वाला है क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ और सुमन गिल की टीम दोनों के बीच छत्तीस का आंकड़ा चल रहा है सुमन गिल को अपने आप को प्रूफ करना है कि भाई हम बेस्ट हैं ऋतुराज गायकवाड़ को अपने खुद को प्रूफ करना है कि भाई नहीं चुन करके गलती करते हैं हम भी लायक है इंडियन टीम में खेलने के आप मौका तो दीजिए अब ये तो ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस गिल का मुकाबला है तो मजा आने ही वाला है लेकिन अगर आप बात कीजिएगा टीमें की तो लगभग चार टीमों में सिक्सटी साठ प्लेयर चुने गए हैं आपको पता है हर टीम में कम से कम दो विकेट कीपर है और संजू सैमसन साहब को इन साठों प्लेयर के बीच में कहीं भी जगह नहीं है कहीं भी जगह नहीं है अब संजू सैमसन साहब इतना भी तो गंदा प्लेयर नहीं है भाई कि उनका साठ प्लेयर के इंडियन टीम चुनाव करती है बीसीसीआई और उसमें संजू सैमसन को जगह नहीं दिया जाता है जब वनडे का वर्ल्ड कप आता है टी ट्वेंटी में भेज देते हैं जब टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप आता है वनडे की टीम में आप उनको चुनते हैं और जब अब टेस्ट का सीजन आने वाला है अब आगे दस टेस्ट भारत खेलने वाली है बांग्लादेश से खेलेगी न्यूजीलैंड से खेलेगी ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है वहाँ पर अभी आपका कोई भी विकेट कीपर जहाँ फिक्स नहीं है वहाँ पर आप संजू सैमसन को मौका नहीं दे रहे हैं दिलीप ट्रॉफी में मौका नहीं दिया गया है भाई अब चलिए विकेट कीपर के तौर पर नहीं कम से कम बल्लेबाज के तौर पर तो उनका जगह बनता था सूर्या कुमार यादव को जगह मिला है जबकि सूर्या कुमार यादव ऐज ए टी ट्वेंटी ही खेलते हैं ना वनडे में उनका कुछ खास स्टार्ट है और टेस्ट तो एक या दो मुकाबले मात्र खेले हैं और कुछ खास कर नहीं पाए हैं तो बी सी सी को तो पता ही नहीं चलता है कि भाई क्या व्यवहार कर रही है किस प्लेयर के साथ अब ईशान किशन को इतना दिन से इग्नोर किया जा रहा था उनको अब लेकर के आ गया है टीम में अगर यहां से ईशान किशन अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनका जगह बन सकता है भारतीय टीम में इसमें कोई शोक शोभा नहीं है वो खुद अपनी गलती के कारण गए थे लेकिन वो गलती अब बीसीसीआई धीरे धीरे माफ कर रही है उनको दिलीप ट्रॉफी में उनको चुना गया लेकिन संजू सैमसन के साथ भाई सौतेला व्यवहार हो रहा है क्योंकि संजू सैमसन का भाई क्या गलती है अब चार टीमें हैं चार टीमें में पंद्रह पंद्रह प्लेयर हैं पंद्रह प्लेयर में दो तीन विकेट कीपर है आर्यन जुआल को मौका मिला है ध्रुव जुरेल को मौका मिला है और संजू सैमसन साहब को नहीं मौका मिला है अभिषेक पुरेल को मौका मिला है दिलीप ट्रॉफी में खेलने का ये समझ से थोड़ा सा पड़े है कि बीसीसीआई आखिर चाहती क्या है संजू सैमसन से खैर हम लोगों को क्या है जो भी है हम लोग गिल वर्सेस गैकवार का क्रिकेट देखने को मिलेगा अब गिल जीतते हैं कि गैकवार जीतते हैं हालांकि गिल का टीम थोड़ा सा एक्सपीरियंस लग रहा है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस पर जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद